तो बैटल ऑफ गाजा की स्क्रिप्ट किसने लिखी? शक जा रहा है ईरान पर, लगातार ईरान का जिक्र होता रहा है। सवाल यही है कि क्या ईरान की इसमें बड़ी भूमिका रही है? 11वें दिन और भीषण हो गया है युद्ध इस बीच में, और इसराइल हमास के बीच ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, अपने 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। अल कसाम ब्रिगेड प्रवक्ता ने जारी किया है वीडियो, इसराइली हमले में मारे गए अब तक 22 बंधक। गाजा में हमारे कब्जे में है 200 बंधक और बंधकों की जल्द करेंगे रिहाई, ये भी कहा गया है हमास की तरफ से। जी हां, तो 11वें दिन हमास पर कहर बनकर टूटी इजरायली की इजरायली एयरफोर्स, फिलिस्तीन से जंग में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन, गाजा पट्टी पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक, आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को किया नेस्तनाबूद, मल्टी रोल फाइटर जेट से बरपाया कहर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जबरदस्त हमला, एयर स्ट्राइक, इजरायली एयरफोर्स का कहर जारी है हमास के ठिकानों पर। और इसराइल पर मिसाइल से हमला, इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, अल कुद्स ने सराया से लॉन्च की मिसाइलें। तो इसराइल पर लगातार मिसाइलों से हमला जारी है, अल कुद्स के द्वारा ये देखिए ये मिसाइल अटैक किया गया इसराइल के ऊपर।